Hey guys, what is up? It's Isfaq here. Welcome back again to the new video of Ark Survival Evolved. तो लास्ट वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि मैं एक ये 150 रैप्टर A1 और इस 181 रैप्टर वन लेवल 181 रैप्टर और साथ में इन दोनों को मैं वहाँ से टेम करके लाया था, जो कि ये बेसिकली मेरे बेस का मतलब कि एक तरह से प्रोटेक्शन देने वाला है, ताकि बाहर से अगर कोई और एनिमल्स आता है और अटैक करता है तो उसका कोई हमें इफेक्ट नहीं पड़े। ऑलराइट, तो अभी सबसे पहले तो मेरे को काफ़ी ज़ोर से प्यास लगा है, अभी चल के पानी पी लेते हैं। ऑलराइट, तो ये भी हो चुका है। तो अभी हमें आज के वीडियो में सार्को को टेम करना है, मतलब कि सार्को वन सेकेंड। ऑलराइट, तो हमें सार्को को टेम करना है, जो कि एक क्रोकोडाइल। और हम लोगों ने लास्ट वीडियो में ही देखा था कि वो इस पहाड़ी के बगल में, जहाँ से इन दोनों को हम टेम करके लाए थे, और वो उन दोनों को वहाँ पे बैठा हुआ था। तो आज हम उसे टेम करके लाने वाले हैं। उसके लिए मैंने सारे रिसोर्सेज लगभग इकट्ठा कर लिए हैं। मेरे पास ये तो पहले से ही पड़ा हुआ था, और मेरे पास मीट भी पड़ा हुआ है, रॉ भी पड़ा हुआ है, और वो भी पड़ा हुआ है, कुक्ड भी पड़ा हुआ है। तो अभी हम वहाँ पे जाने वाले हैं और उसको टेम करने वाले हैं। अभी हम लोग दिन होने का इंतज़ार करते हैं और फिर निकलते हैं, क्योंकि रात को काफ़ी ख़तरनाक हो जाता है वैसे जगह पे जाके टेम करना। ऑलराइट, तो दिन होने का इंतज़ार करते हैं अभी। ऑलराइट, तो अभी जैसा कि देख सकते हैं कि दिन होना स्टार्ट हो चुका है, और अभी वहाँ पे जाके और उस पे अटैक करके और उसे टेम करना अभी काफ़ी परफेक्ट टाइमिंग है। तो अभी हम लोग अपने पेट्राडॉन पे बैठते हैं और उधर को निकलने वाले हैं टेम करने के लिए। अभी यहाँ पे तो मेरे बेस के आसपास काफ़ी ज़्यादा जानवर स्पॉन हो रहे हैं। हम अपने पेट्राडॉन को मतलब खुले में नहीं छोड़ेंगे, उसे ले जाके हम कहीं ऊपर बैठा देंगे, उसका बिहेवियर में फॉलो करना डिसेबल कर देंगे, और फिर उसके ऊपर हम अटैक करने वाले हैं। ऑलराइट, तो इधर ही कहीं था, अभी मॉर्निंग का टाइम परफेक्ट है उस पर अटैक करने के लिए, वो कहीं समुंदर में चला ना गया हो। बाकी सब तो हम देख लेंगे। यहाँ है क्या? नहीं, ये तो सिर्फ ये पत्थर है। ऑलराइट, इधर कोई और डाइनो हमें देखने को ना मिल जाए, जो कि हम पे अटैक करे। ऑलराइट, इधर को ही सार्को था, इधर को ही। एक बार घूमते हैं और देखते हैं, इधर को ही था। ऑलराइट, तो ये यहाँ पे एक रैप्टर भी है, सबसे पहले उसको भी मजा चखाना होगा, फिर जाके हम कुछ कर पाएंगे। और एक ये चिड़िया भी है, ये भी अटैक करती है बहुत ज़ोर से। ऑलराइट, ये मेरे पीछे आ रहा है, इसको हम अपने पीछे लेके आ रहा है। अभी ये मेरे पीछे अटैक करने के लिए आ रहा है, अभी हम इसको लेके इस यहाँ तक आने वाले हैं और फिर हम इस पर अटैक कर देंगे। आजा, इधर से इसको निकाल के लेके चलते हैं पहले। अभी आजा बेटे, आजा। ऑलराइट, तो अभी दिन भी हो गया है और इसको हम यहाँ पे उतारने वाले हैं। आ रहा है, ओ भाई। ऑलराइट, आ रहा है। अबे साले, ले ये तो गया। ऑलराइट, तो अपने हम एरो निकाल लिया है, ये नीचे जा चुका है, और इस पर हम लोग अटैक करना स्टार्ट कर चुके हैं। अभी ये पत्थर में स्टक हुआ है, ये कहाँ गया बे? ऑलराइट, तो इसको बुला लेते हैं, शायद से वो स्टन हो चुका है। हम अगले पहाड़ी पे जाके उतरेंगे और फिर देखेंगे कि वो स्टन हुआ या नहीं। अबे भैंस की टैट, इधर अबे, इसको हम अंदर रखते हैं। अभी उसको शायद से हमने स्टन कर दिया है, वो फिर दोबारा उठे ना ऊपर। अबे ओ भाई, लगता है गए। लेट्स गो, अभी हम इसके पास जाने वाले हैं। ये स्टन हुआ है या नहीं? ओ भाई, स्टन हो गया ये।
अबे 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 गया गया। कुक्ड फिश रखने से कुछ नहीं हो रहा है, आई थिंक। नहीं, टेमिंग हो रहा है, टेमिंग होना स्टार्ट हो गया, फिश से ही टेमिंग हो रहा है। ऑल राइट, टेम हो रहा है क्या? ओह, टेम होना स्टार्ट हो गया है, ये टेम होना स्टार्ट हो गया। ऑल राइट, कुछ देर हम यहाँ वेट करते हैं और फिर देखते हैं। ऑल राइट गाइज, तो हमने इसके अंदर अभी जो है प्राइम प्राइम फिश होता है, हमने इसके अंदर डाल दिया और 30 कुक फिट निकाल लेता है। ये प्राइम फिश हमने इसके अंदर डाल दिया है ताकि ये काफ़ी तेज़ी से ये हो जाए, टेम हो जाए। अभी टेम होना यहाँ पे स्टार्ट हो गया है, आई थिंक प्राइम फिश से ही ये टेम हो पा रहा है। तभी हम इसके अंदर ये कुक फिश भी डाल देने वाले हैं ताकि ये देखे जल्दी से जल्दी ये टेम हो जाए जल्दी से जल्दी। ऑलराइट, तो अभी हमें कुछ देर यहाँ पे वेट करना होगा इसको टेम होने के लिए। ये लेवल 4 का है लेकिन काफ़ी डेंजर है ये, क्योंकि बड़े बड़े रैप्टर और उन लोगों को ये काफ़ी आसानी से मार दे रहा था। मैं एक दो दिन से इसे देख रहा था। ऑलराइट, तभी हम इसके ऊपर अभी काफ़ी सारे डाइनो मेरे आसपास आ रहे हैं बड़े बड़े, इसलिए मैं अभी हवा में ही उड़ूंगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा मेरे लिए। अबे भाई, ये साला मेरे को मरवाएगा किसी दिन। ऑल राइट, इधर आ, इधर आ, तू इधर आ। ऑल राइट, तो ये कितना टाइम हुआ अभी हम इसमें आराम से इसका कर सकते हैं। अभी ये 95% टाइम हो चुका है, 95% टाइम हो चुका है। जल्दी से ये होगा, फिर हम इसको अपने बेस पे लेके जाएंगे। ऑल राइट, ये बस मेरे को अटैक ना करे, इसको हम लेके जाएंगे फिर किधर से। एक बार अपने मैप देख लेते हैं। अभी हम इस यहाँ है और हमें जाना फिर इसी बेस पे है उधर को। हो जा, जल्दी से हो जा बे। इसका नाम हम लोग रखने वाले हैं Sarko 1। अभी बाद में इसका नाम हम कुछ बदल के रख देंगे। अभी ये मेरे को फॉलो करने करेगा। आजा इधर, आजा इधर, आजा। आ रहा है, ये आ रहा है। अब इसको हम अपने बेस पे लेके चलने वाले हैं। लेट्स गो, हमने सक्सेसफुली एक Sarko को टेम कर लिया है। बस रास्ते में कोई ऐसा ना मिले जो हम पे अटैक कर दे। ये नीचे नीचे जंगल से होते हुए हम इसको लेके जाने वाले हैं। ओके, तो ऑल राइट, ये गेंडा भी तो है, ये नहीं आ रहा है इधर से। ले भाई, स्टॉक हो गया ये तो। हम इसके अंदर जंगल से इसको होके तो लेके नहीं जा सकते क्योंकि ये बार बार स्टॉक हो जा रहा है। ऑल राइट, तो इसको बेस पे लेके जाना काफ़ी चैलेंजिंग है। इधर काफ़ी सारे ये गेंडे हैं, ये इस पर अटैक ना करे बस। आजा 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 आजा, ये काफ़ी भारी तादाद में है, बस ये अटैक ना करे। आजा आजा, जल्दी से निकल के आजा। ये लोग ही रैप्टर ही मेरे को यहाँ पे मारे थे। एक भूमिया का भी शिकार कर रहे हैं, तब तक हम इसको लेके इधर से निकल लेने वाले हैं फटाक से। आजा 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 आजा। ऑल राइट, आई थिंक ये आ रहा है। आजा 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 आजा, आ गया आ गया। अगर कोई पीछे पड़ता है तो उसका मुंह तोड़ देंगे हम अभी। लेट्स गो, आ रहा है आ रहा है। ऑलराइट, तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि अभी हम अपने बेस पे पहुंचने वाले हैं अपने Sarko को लेके। रास्ते में मतलब काफ़ी ज़्यादा जानवरों से हमें बचा के इसको लाना पड़ा, लेकिन अभी हम लोग फाइनली इसको लेके आ चुके हैं अपने बेस पे। ये पंगा लेगा, हमको लगता है कि ये पंगा लेगा। ऑलराइट, आजा इधर से आ जा। अरे तेरी भैंस की टैट। अभी मैंने गेट खोला ही नहीं और ये यहाँ पे आ गया। ऑल राइट, तो ये तो काफ़ी भयानक और काफ़ी बड़ा है Sarko मेरा। ले भाई, मैंने यहाँ पे बेकार के ये बजाया। ऑल राइट गाइस, तो मैंने अपने Sarko का जो ये होता है मैंने बना के और इसको सैडल बना के पहना दिया है और अभी हम इसका टेस्टिंग करने वाले हैं। ये कैसे करके डायरेक्ट इजीली मार देता है और ये भगता भी काफ़ी तेज है। ऑल राइट, तभी हम लोग चलने वाले हैं पानी में। ओ, ये पानी में भी काफ़ी पानी में काफ़ी तेज ट्रेवल करता है। ऑल राइट, तो ये पानी का ही मतलब ये जीव है तो काफ़ी तेज ट्रेवल करेगा ही। इस मछली से पंगा लेने वाले हम लोग, और जब बाहर आएगी तो हम उसे ट्रैंग एरो से मार देंगे। आजा आजा, Shark से हमने पंगा लिया है, उसको फॉलो करते हुए आने दो। किधर गई? नहीं आई भाई। ऑल राइट, अभी इसका लेवल काफ़ी कम है इसलिए हम बड़ी बड़ी मछलियों से पंगा नहीं ले रहे हैं। जब इसका लेवल बढ़ जाएगा तब तो हम किसी को नहीं छोड़ने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पे एक छोटी मछली है।